अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, एसी के इंडोर की सर्विस की वीडियो ऑलरेडी मैं अपने चैनल पे अपलोड कर चुका हूँ। इस वीडियो में हम एसी के आउटडोर की सर्विस करेंगे और इंडोर के सर्विस की वीडियो का लिंक मैं इसी वीडियो के आई बटन में भी दे देता हूँ और इसकी डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दे देता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। वैसे तो फ्रेंड्स, गर्मियों के एंड पे हमें इंडोर और आउटडोर को कवर कर देना चाहिए नेक्स्ट सीजन के लिए। आपके एसी में अगर गैस है तो आपने उसके आउटडोर को अपनी जगह से नहीं हिलाना, अदरवाइज उनके ये पाइप हिल सकते हैं और इनमें से गैस भी लीक हो सकती है। और एसी सर्विस करने से पहले आपने इन पाइप पे यहाँ पे ऑयल चेक कर लेना है, किसी किस्म का ऑयल वगैरह तो नहीं आया हुआ। अगर यहाँ पे ऑयल वगैरह आया हुआ है तो समझ लें आपके पिछले सीजन से इस सीजन के ड्यूरेशन में यहाँ से गैस लीक हुई है और फिर आपको गैस चेक करवाना पड़ेगी। हमारे इसमें यहाँ बिल्कुल भी कोई ऑयल शेल नहीं आया हुआ, तो हम सिर्फ इसकी अब सर्विस करेंगे। सर्विस के लिए एसी का कोई भी आउटडोर लेते हैं तो वो आपको इसी टाइप का मिलेगा और उसके ऊपर ये टॉप होता है। हम सबसे पहले उसके आउटडोर का ये वाला टॉप खोलेंगे। फ्रेंड्स, हमने इसके सारे पेज खोल लिए जो चारों साइडों पे थे, दो इस साइड पे और तीन तीन इस साइड पे। तो अभी हम इसे यहाँ से इसको कवर को खोलेंगे। हम इसे ब्लोअर मारेंगे पहले ताकि इसके अंदर जितनी डस्ट है वो इसे धोने से पहले निकल जाए। तो फ्रेंड्स, ब्लोअर मारने के बाद हम पानी का इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले इसे सादा पानी के साथ धोएंगे। आपने ख्याल रखना है कि इसके इस वाले पोर्शन के अंदर पानी नहीं जाए, हमें इसका इस वाले एरिया को सिर्फ धोना है। फ्रेंड्स, आपने कोशिश करनी है कि आपके पानी का प्रेशर मैक्सिमम हो ताकि इसके अंदर से जमी हुई मिट्टी पानी के प्रेशर के साथ ही निकल जाए। आपने इसे अपनी जगह से हिलाना नहीं है और इन जालियों को सारी साइडों से, अंदर से और बाहर से अच्छी तरह पानी से धो लेना है। फ्रेंड्स, आपने एसी को एक दफा धोने के बाद इसकी फिक्र नहीं उतार देनी। गर्मियों में आपने गाहे बिगाहे इसे पानी मारते रहा करना है ताकि एसी चलने के दौरान जो जालियों में डस्ट वगैरह जो इसे ब्लॉक करती है वो क्लियर हो जाए। सरफ वाला पानी बनाएंगे इसे धोने के लिए और हम इसे इसके जालियों के ऊपर गिरा देंगे और इसे कुछ देर के लिए छोड़ देंगे। फ्रेंड्स, हमारे केस में जालियां इतनी ज्यादा वाली गंदी नहीं है। अगर आउटडोर के कंडेंसर की ये वाली जालियां आपको ब्लॉक लगे कि इसके अंदर बहुत ज्यादा डस्ट जम गया हुआ है तो उसको उखाड़ने के लिए एक सिंपल सा मेथड मैं आपको बताता हूँ। आउटडोर की जालियां ब्लॉक हो चुकी हुई हैं तो आपने क्या करना है कि इस तरह का कास्टिक सोडा आपने मार्केट से ले लेना है। एक आउटर के लिए 20 से 30 रुपए का कास्टिक सोडा काफ़ी है। उसको हाथ नहीं लगाना बिल्कुल भी, उसको किसी भी चीज़ और किसी चीज़ के साथ उसको लेके तो किसी चीज़ में डाल के तो आपने इसमें थोड़ा पानी डाल लेना है। ये कास्टिक इसमें खुद उबलना शुरू हो जाएगा और थोड़ी देर बाद ये मिक्स हो जाएगा। उसके बाद आपने ये कास्टिक वाला पानी इनके ऊपर डाल देना है। लेकिन याद रहे, दो से तीन या मैक्सिमम पाँच मिनट से ज़्यादा आपने इन जालियों में इसको ठहरे नहीं रहने देना। उसके फौरन बाद आपने इसको धो देना है। याद रहे कि अगर ये ज़्यादा देर डाल के रखेंगे तो ये जालियाँ गल भी सकती हैं, ख़राब हो सकती हैं। तो आपने कास्टिक के साथ ये थोड़ी एहतियात बरतनी है। उसके बाद आपने अगेन वही वाला काम करना है, पानी का पाइप खोल के हाई प्रेशर पानी के साथ धो देना है। और फ्रेंड, आउटडोर को वॉश करना इनडोर की निस्बत बहुत ही आसान है और ये वाला काम आपने गर्मियों में रिपीट करना है। एक ही दफा में धोने से बात नहीं बनेगी क्योंकि ये आउटडोर का मतलब यही है कि ये ओपन में होता है, इसलिए इसमें बार बार डस्ट आएगी। काफी तरह के आउटर ऐसे हैं जिनमें ये वाली प्लास्टिक की जाली नहीं लगी होती और उनके वो यहाँ पे दूसरी जाली लगी होती है, वो दो पेच लगे होते हैं यहाँ पे इस तरह। वो खोल के आप जब खोलेंगे तो ये जाली बिल्कुल इस प्लास्टिक की जाली के बगैर ही आपके सामने आ जाएगी और उस पर फिर आप ये ब्रश भी मार सकते हैं इस तरह। फ्रेंड, एसी के फैन का कोई मसला नहीं होता, एसी का फैन वाटरप्रूफ होता है, इसलिए आप उस पर पानी पड़ जाए तो कोई मसला नहीं है और इसके आप पर भी धो दें तो कोई इशू नहीं है। और इसे इसी तरह अंदर से भी धो दें और अंदर वाली साइड से भी इसको एहतियात के साथ आप ब्रश यूज कर सकते हैं, कपड़े धोने वाला ब्रश। फ्रेंड्स, आउटडोर की बेस में एक सुराख होता है जहां से इसका ये सारा पानी खुद ब खुद आउट हो जाता है। फ्रेंड्स, आउटडोर की सर्विस का काम बस इतना ही होता है। अभी हम इसका ऊपर वाला टॉप फिर दोबारा उसी जगह से जहां से खोला था उसी जगह पे लगा देंगे और इसके पेच लगा देंगे। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी कर दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।